पतिया नतिया पटन बा देवरा ढोढ़ी चटन बा देवरा ढोढ़ी चटन बा। गाने में गंदगी नहीं लगती आपको? बहुत ज्यादा गंदगी है। काहे किसी आइल बड़ू जान ले बुका हो बोलो हो मसुगनी परहन ले बुका हो बोलो हो मसुगनी परहन ले बुका हो। चिंकी को तो नहीं ले आइएगा? चिंकी में की आएगी तो ले लेंगे मतलब शादी कर लेंगे शादी कर लेंगे कि तोहरा संगे खिचावल फोटो फार दे तोहरा संगे खिचावल फोटो फार दे जहिया आई बारात तो गोली में डोली मार गोली में डोली कैसे मारेंगे यार आप पावर स्टार ट्रेंडिंग स्टार सब अपने आप में स्टार एक ढोड़ी स्टार आ गए चंदन चंचल जी इनको लोग ढोड़ी स्टार कहते हैं क्योंकि इनका जितना गाना हिट होता है ढोड़ी पे होता है। मेरा नाम रमा है इसका उमा है। रमा किसका है उमा किसका? मेरा रमा है इसका उमा। आप बताइए आपका नाम क्या? जी मेरा नाम रमा है इसका उमा है। आपका क्या? मेरा नाम रमा है इसका उमा है। कि जा जाइबू तो जा ए सनम देख के जिंदगी भखा ती जखम जानी सोचा हमरा बारे में तोहरा खातिर हमर मायल ना रहे ई प्यार काले परसों के कोई ना रहे भूला गईलू ऐसे जैसे भाईल ना रहे। दोनों लोग बराबर खाते हैं सोते हैं उठते बैठे साथ में धोखा नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ एक दूसरे से धोखा नहीं कहीं और जाके फायदा उठाए। गोरिया चांद के अजूरिया नियन गोर बाड़ू हो तहार जोड़ के हूँ नहीं खे बेजोड़ बाड़ू हो तहार जोड़ के हूँ नहीं खे बेजोड़ बाड़ू तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं तेरे दर पे वो मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं भर दे झोली मैया भोली बिगड़ी बनाने आए हैं ऐसे गर्भ में जदि नटई दबाइबा पापा हो पतो है एक दिन पापा हो पतो है एक दिन कहाँ से लाइबा पापा हो पतो है एक दिन कहाँ से लाइबा। देखिए बिहार के दो लड़के वायरल हो रहे हैं हमारे साथ है इनका नाम जानते क्या नाम है भैया? मेरा नाम रमा है इसका उमा है। रमा किसका है उमा किसका? मेरा रमा है इसका उमा। आप बताइए आपका नाम क्या? जी मेरा नाम रमा है इसका उमा है। आपका क्या? मेरा नाम रमा है इसका उमा है। दोनों का रमा है उमा कौन है? मेरा नाम रमा है इसका उमा है। कंफ्यूज करके रख देंगे? नहीं नहीं कंफ्यूज नहीं कर अपना नाम बता रहे हैं क्या करें। दोनों का नाम रमा है? नहीं नहीं मेरा नाम रमा है इसका पता नहीं हद है। आप लोग गाना गाते हैं बहुत अच्छा गाते हैं कब से गा रहे हैं आप लोग? बचपन से गाते हैं जब सोच संभाले से गाना गाते हैं। रियाज वगैरह भी करते हैं? वही मतलब गा के रियाज करते हैं एक जिसे हारमोनियम खरीदे थे पैसा काम करके। अच्छा। उसी पर रियाज करते हैं। कहाँ से शौक चढ़ा कि गाना गाते? इस शौक इसे कि हमको भी खुद नहीं पता था कि हम लोग ये गायक बनेंगे। शुरू से ऐसे स्कूल में गाते थे गाते 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 लोग बोले कि नहीं अच्छा गाते हो कोशिश करना चाहिए। तब कौन सा गाते थे उस टाइम कोई अच्छा गाना? हाँ उस टाइम जब स्टार्टिंग किए जब सुने तो एक गाना जो गाना वायरल हुए थे वही गाना हम लोग पहले गाते थे। बड़ू जान ले बुका हो काहे किसी आइल बड़ू जान ले बुका हो बोलो हो मसुगनी परहन ले बुका हो बोलो हो मसुगनी परहन ले बुका हो। वाह आप दोनों तो एकदम मिला कर गा रहे हैं। ऐसे ही गा रहे हैं जब से साथ में ऐसा गा बंदी मिल गया एकदम। अच्छा कभी गड़बड़ाए नहीं? नहीं गड़बड़ाते हैं कभी 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 गड़बड़ा जाते हैं। अच्छा कोई ट्रेंडिंग गाना अभी जो चल रहा है पवन या खेसारी का जो आप लोगों को अच्छा लगता हो एक वो सुनाइए फिर आगे की बात करते हैं। रियलिटी जी बताएं इस टाइम का जो गाना है सुनते बहुत कम सुनते बहुत कम। हाँ टाइम का जो गाना कुछ सीखने को नहीं मिलता है।
कुछ नहीं सीखने को मिलता है, स्टेज स्टेज पे करते हैं तो ये गाना जो इस टाइम का सीखने को देता है, पहले गाना सीखने को से कुछ मिलता है उससे तो लगता है, तब पहले गाना ज्यादा हम लोग सुनते हैं। अभी जैसे एक आरा कभी हारा नहीं ट्रेंडिंग चल रहा है, वो गा सकते हैं? सच्चाई बताएं तो हम लोग गाना देखे भी नहीं है, नहीं देखे, मतलब ऐसे अच्छा नहीं कुछ सीखे, मतलब आरा कभी हारा उससे क्या सीख सकता है कोई, कोई सीखने वाली चीज है उसमें, गाते आपके चैनल से तो लोग क्या सीखेगा इससे, आरा कभी हारा नहीं। गाना तो एंटरटेनमेंट के लिए होता है, एंटरटेनमेंट के लिए होता है, तो ये नहीं कि आ रहा है कभी आ रहा नहीं, जिला से ऐसा कुछ नहीं है, ये जातिवाद पैदा करने वाला काम है जी। तो कौन सा गाना गाएंगे पवन सिंह का? बहुत सारे गाने हैं पवन सिंह जी, पवन सिंह का कोई जी जी एक उनका गाना है गोरिया चांद की, गोरिया चांद के ओजोरिया नियन गोर बाड़ हो, गोरिया चांद के ओजुरिया नियन गोर बाड़ू हो, तहार जोड़ के हूँ नहीं खे बेजोड़ बाड़ू हो, तहार जोड़ के हूँ नहीं खे बेजोड़ बाड़ू हो। बचपन से ही सेम दिखते हैं क्या? दांत के बीच में जो गैप है वो भी सेम है, और ये नहीं कि इसको कुछ डाल के फैला है, ऐसा ही है प्राकृतिक, बाल वाल सब कुछ लगभग, बाल दाढ़ी पैंट जूता कपड़ा। कभी लोगों को कंफ्यूज किए हैं जानबूझकर? जानबूझ के नहीं किए, लोग इसे कंफ्यूज जाते हैं, घर में भी रिश्तेदारी में जाते, पहले जब छोटे छोटे थे तो अपने जब मौसी घर रहते थे जाते थे साथ में हम लोग जाते थे, तो जैसे मैं खाना खा के चला जाता था, दिया जाता था, खाना मांगता था, तो ये कहते अभी तो तू खाला खाए, मतलब तुम खाए अभी, ये बताना पड़ता, नहीं वो खा गया, मैं अभी नहीं खाया। अच्छा, हुआ है कि एक ही लड़का दो दो बार खा लिया? नहीं ऐसा बढ़ जाता है, एक बार दोबारा खाया खाएगा दोबारा नहीं खाया, नहीं फायदा उठाए इसका हम सकल, नहीं ऐसा क्या फायदा, जिसे मान लीजिए दोनों लोग बराबर खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठे साथ में, धोखा नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से धोखा नहीं, कहीं और जाके फायदा उठाए, फायदा इसका ज्यादा। हाँ, इसका मान लीजिए एक ही कंपनी में काम करते थे, जो फेस पंचिंग मशीन आता है वो फेस से पंच लगता था कि कौन कितने दिन आया है, तो ये नहीं जाता था, इसका मैं लगा देता था। हाँ, ये फायदा उठाया जाता था, और जिस कंपनी में काम करता था ये, तो ये गांव चला गया कुछ दिक्कत में, तो इसका सैलरी में जाकर दो दो तीन तीन बार लिया दूसरी कंपनी में, पहचान नहीं पाता था कंपनी में, नहीं पाता, नहीं ये इतना किए हम लोग। ड्रेस व्रेस भी सेम, घड़ी वरी सब सेम पहनते हैं, जब से वो संभाल तब से पहनते हैं, इसीलिए कंपनी में धोखा देते थे, कोई पहचान नहीं पता था, ड्रेस वही पहन के जाते थे, तो इसको लगता था कि नहीं वही वही होगा। कद काठी भी एकदम सेम है, एक दोनों का ड्रेस भी, दोनों का ड्रेस भी हो जाता है, वजन भी हमारा एक ही है, वजन भी एक है, कितना वजन है, रोटी वोटी जो गिनती करके खाते हैं, और चावल भी लेते हैं जो पलटा होता है उससे मनाप के काटते हैं। आपका कितना वजन? मेरा 61 किलो है, इसका पता नहीं, दोनों का 61 किलो है? नहीं, मेरा 61 किलो का पता नहीं। अच्छा, आप दोनों तो कंफ्यूज ही करके रखते हैं। अच्छा, शादी वादी अभी तो हुई है कि नहीं हुई? नहीं, नहीं हुआ है, मैं जुड़वा से करूंगा इसका पता नहीं। आप जुड़वा से करेंगे? नहीं, मैं जुड़वा से करूंगा इसका पता नहीं। अच्छा अच्छा, बाय द वे अगर शादी हो जाती है, अब बाय द वे जुड़वा से अगर नहीं होती है, ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाएगी लड़की? नहीं, ऐसा हो सकता है, जुड़वा से ही होगा, जुड़वा से करेंगे, मिल जाएगी, खोजेंगे, यहाँ बड़ा दुनिया है, मिलेगी पाकिस्तानी, पाकिस्तान, पाकिस्तान वाली को ले आएंगे, लेके आएंगे, लेके चले आएंगे, चिंकी मिंकी को तो नहीं ले आइए? चिंकी मिंकी आएगी तो ले लेंगे, मतलब शादी कर लेंगे, शादी कर लेंगे। अच्छा, कोई खेसारी का गाना सुनाए जी, एक बहुत अच्छा का भी गाना है, एक सेट सुना देते हैं दिल में कि जा जाइबू तो जा ए सनम देख के जिंदगी भखा ती जखम जानी सोचा हमरा बारे में तोहरा खातिर हमर माई ना रहे ये प्यार काले परसों के कोई ना रहे भूला गईलू ऐसे जैसे भइल न रहे ये प्यार काले परसों के कोई न रहे भुला गईलू ऐसे जैसे भइल न रहे। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक खेसारी का ही सैड सॉन्ग है, डोली में गोली मार दे, याद है? कि तोहरा संगे खिचावल फुट फर दे, तोहरा संगे खिचावल
होठ फार दे जहिया आई बारात तो गोली में डोली मार। गोली में डोली कैसे मारेंगे यार आप? चलिए एक पवन सिंह का भक्ति गाना सुन। कि तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं, तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं, तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं। भर दे झोली मैया भोली बिगड़ी बनाने आए हैं, तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं। बहुत खूबसूरत गाया है आप लोगों ने। अच्छा तो अब भक्ति गाना आप लोग गाते हैं कि किस प्रकार का गाना गाते हैं? भक्ति गाते हैं, सब गाते हैं, शक्ति गाते हैं, लेकिन अभी शक्ति ने गाते थे, अब गाएंगे शक्ति गाना। शक्ति गाना का मतलब जिसे होता है, जिस गाने को सुन के पब्लिक में एनर्जी आ जाता है और झूम जाता है, उसको बोलते हैं शक्ति गाना। और जो सुन के बस मंद मंद जैसे हो उसको बोलते हैं भक्ति गाना। अच्छा, तो अश्लील गाने सुन के भी लोगों में वही 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 उसको शक्ति बोलते हैं। टाइट उसका क्या बोलते हैं, लोगों के अंदर एनर्जी आ जाती है, पूरा एकदम जोश में आ जाता है, कोट भाषा में बोलते हैं शक्ति गाना। आप लोग अश्लील भी गाएंगे? नहीं गाए, जैसे क्या पहले हम इंटरव्यू दिए थे जितना भी उसमें बोले थे हम लोग अश्लील नहीं गाएंगे और गाए भी नहीं, आज तक नहीं गाए हैं, लेकिन अब से गाएंगे हम लोग। क्यों गाएंगे? क्या करें, रिस्पॉन्स नहीं मिलता अच्छे गानों पे, अच्छे गानों पर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो क्या करें। अच्छा, अच्छे गानों पर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो घटिया गाना गाएंगे, जैसे कि पब्लिक पसंद करे, क्योंकि हम लोग गा के घर में तो सुनेंगे नहीं, पब्लिक तो बहुत कुछ देखती है। हाँ, तो वही हम लोग दिखाएंगे पब्लिक को, जो देखेगी पब्लिक, जो सब दिखा रहे हो हम भी दिखाएंगे, ऐसा नहीं हम लोग अलग से दिखाएंगे, सब दिखा रहे हैं और सबका पब्लिक पसंद कर रहा है, हम लोग दिखाएंगे। पारिवारिक गाना गाए हैं आप लोग? बहुत पारिवारिक गाना गाए हैं, पारिवारिक गाना गाए हैं और तमाम गाने गाए हैं हम लोग। कोई एक दो पारिवारिक गाना जो अच्छा गाए हो? गाना है बेटी पे कि ऐसे गर्भ में जदी, ऐसे गर्भ में जदी नटई दबईबा पाप हो पतो है एक दिन, पाप हो पतो है एक दिन कहावा सिलाईबा, पाप हो पतो है एक दिन कहावा सिलाईबा पाप हो पतो है। एक माँ के लिए गाना सुना देते हैं। कि माई तोहरे दूधवा में अमृत के धार बा, माई तोहरे दूधवा में अमृत के धार बा, माई के दुलार बिना दुनिया अन्हार बा, माई के दुलार बिना दुनिया अन्हार बा। बहुत बढ़िया, तो अश्लील क्यों गाएंगे भैया? नहीं, जैसे क्या ना, अच्छे अच्छे गाने बहुत हैं लेकिन उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, और ऐसा क्या बहुत सारे सिंगर जो है अच्छे गाने गाए लेकिन उनका पहचान गंदे गानों से मिला है। हाँ, तो जैसे मैं बहुत अभी चंदन चंचल है। कौन सा गाना उनका? देवरा ढोड़ी चटना पतिया नतिया पटना बा, देवरा ढोड़ी चटना बा, देवरा ढोड़ी चटना बा। इस गाने में गंदगी नहीं लगती आपको? बहुत ज्यादा गंदगी है। कौन देवर भाभी चाटता है, चाटने वाली कोई चीज है? हम लोग पैर छूते हैं माँ के समान समझते हैं, जो जितनी भाभी अपने, लेकिन और पब्लिक ट्रेंडिंग में चलाता है गाना, बताइए आप ही बताइए। हाँ, पब्लिक को क्या करना चाहिए? पब्लिक को जैसे क्या, पब्लिक हम लोग जितना भी इंटरव्यू दिए उसमें बोले हम लोग पब्लिक हाथ गोड़ जोड़े कि ऐसे कलाकारों का बहिष्कार करिए, ऐसे ऐसे गानों का बहिष्कार करिए, मत सुनिए। लेकिन और उसके बाद भी एक गाना आया है कि पियवा हमारा नासिक बा देवरा ढोड़िए के आसिक बा, वो भी गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है। हाँ, वो चंदन चंचल का, तब हमारा मूड फिरा कि नहीं हम लोग बहुत गलत कर रहे हैं हम लोग। चंदन चंचल डोरी पे ही रह जाएंगे क्या? नहीं, अब लग रहा है जैसे क्या होता है ना कि जहाँ से पब्लिक को क्या क्या बन गए, पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, सब अपने आप में स्टार, एक ढोड़ी स्टार आ गए चंदन चंचल जी। इनको लोग ढोड़ी स्टार कहते हैं क्योंकि इनका जितना गाना हिट होता है ढोड़ी पे होता है। पहला ढोड़ी चटना ढोड़ी पर था, हिट हो गया। दूसरा खुद को ढोड़ी के कुआं, ये भी हिट हो गया। और तीसरा लगा दी ढोड़ी पे कजरवा, हिट हो गया, हिट हुआ। और इसके बाद देवरा ढोड़ी किया आशिक बा, तो लोग अपने आप पब्लिक उनको ढोड़ी स्टार बना दिया। पब्लिक सब कुछ बनाता है, पब्लिक स्टार। आप लोग को कौन सा स्टार बनना है?
हम लोग को पहले अच्छा स्टार बनने, हमको स्टार नहीं, हम लोग गाना गाएंगे तो स्टार बनेंगे। तो कौन सा स्टार, पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, ढोरी स्टार के बाद फैमी के हम लोग स्टार बनेंगे, क्योंकि भोजपुरी के जितने भी बड़े स्टार हैं सब गंदा गाना गा के स्टार बनाए। किसी को आप बताएंगे अच्छा गाना गा के, अच्छा गाना गा के स्टार बना हुआ? चलिए हम तो यही आग्रह करेंगे कि आप लोग अच्छे गाना गाएं और आगे बढ़े। सपोर्ट मिलने लगेगा पब्लिक का, सपोर्ट करने लगेगी, उस दिन हम लोग अच्छे गाना स्टार्ट कर देंगे। अभी तो अच्छा ही गा रहे हैं, अब गाएंगे एक गाना है अभी भी। अभी तो फिलहाल में तैयार है, वो भी ब्लास्ट एकदम करेगा। किस हमारे पास लाने के लिए, क्योंकि हम जितने इंटरव्यू दिए था तक 100-150 जितने भी दिए थे सब में बोले थे कि हम असली कभी जिंदगी में नहीं गाएंगे, और मजबूरी बन गई कि अब गाएंगे। तो जो व्यक्ति सुना होगा, जो मीडिया वाले भाई सुने होंगे, तो उनको गुस्सा आ जाएगा तुरंत। ज्यादा अश्लील गाएंगे तो हम नहीं आएंगे आपके पास। चलिए इनके इनके गानों को सुनकर आप लोगों को क्या लगता है, और इनकी बातों को सुनकर, अश्लीलता पे जो इन्होंने बोला वो सुनकर क्या लगता है, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।